चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन करेंगे वो जो कल खरीदा था उसको आज बेचना है। ठीक है ठीक है। एक कॉमन सा चार्ट उठा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए जो इवेंट है ना पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन चार्ट में देखेंगे उसको। ठीक है, तो वो चार्ट सर, मैंने शायद शेयर किया है। हाँ बताइए। ये कल का जो इवेंट था ये सन के ऊपर था, करेक्ट ना सर? अभी जितने इवेंट करेंगे सब सन ट्रांजिट बेस करेंगे। तो अगर सन ट्रांजिट से नहीं हो तो मून से भी हो सकता है, मतलब मैं नहीं आगे मैडम, मतलब मून ट्रांजिट। अच्छा आपका कल फर्स्ट डे था क्या आपका? हाँ अच्छा। हाँ नहीं, मैंने ये लिखाया हुआ है कि कब किसका ट्रांजिट देखना है। ऐसी घटनाएं जो 24 घंटे के अंदर होने वाली है उसके लिए लगना ट्रांजिट देखते हैं। ठीक है, हाँ तो सर सर ऐसा एक एक थोड़ा एग्जांपल वो करो तो एडवांस है ठीक मैडम, रहेगा। एडवांस है, वो एडवांस है। अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके दिमाग में मेजरली केपी चिपक जाएगी ना तब वो चीज की जाती है। मेजरली के मतलब सन ट्रांजिट ही देखा जाता है। हाँ वो एडवांस है, या आप डे टू डे की घटनाएं देख रहे हैं। ठीक है, आप एक महीने के अंदर की घटनाएं देख रहे हैं। सर शाम देखे तो डेट नहीं मिला इस साल में, तो फिर दूसरी सेम साल में सेम। हो हाँ सकता है, नेक्स्ट ईयर। इसलिए हाँ तो हम जुपिटर देके कैलकुलेशन करेंगे। कैसा कैलकुलेशन? जुपिटर लेके? नहीं, मतलब जुपिटर जुपिटर ट्रांजिट कैलकुलेशन के डीएनएल में लिए करते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट इसमें नहीं लेना अपन। ठीक नहीं, मंथ है, बाय मैं मंथ हाँ मतलब इस साल का मंथ बाय मंथ कैलकुलेशन कर लिया सेम हम लोग सन का सन देके। ट्रांजिट अच्छा सेम रहेगा नेक्स्ट ईयर भी। सेम अच्छा ओके रहेगा ना ओके नेक्स्ट ईयर, तभी तो वो टेबल फिक्स है ना। अच्छा अच्छा यही अच्छा कारण उस टेबल को फिक्स करने तो का। सर अगर सन आता ही नहीं है उन प्लैनेट्स में तो फिर कैसे करेंगे? किन प्लैनेट्स में? रूलिंग प्लैनेट वगैरह में ना जो जी, वो सन रूलिंग प्लैनेट नहीं है। घटनाओं को डिसाइड करने के लिए, चलिए मैं रिपीट कर देता, घटनाओं को डिसाइड करने के लिए या उस इवेंट को डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज हमें एक लगना लगता है, एक मून ट्रांजिट लगता है और एक सन ट्रांजिट लगता है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट लगना ट्रांजिट विद इन अ 24 आवर जो इवेंट्स होने वाले हैं उसके लिए होता है। सन ट्रांजिट जो है मोर देन 1 मंथ और विद इन द ईयर। ठीक है, ओके मोर देन वन वन मंथ मंथ और विद इन द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर जो घटनाएं हम ओके निकालनी है, मतलब ओके ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है 12 महीने। ठीक है, ओके जैसे ये वो आपने हाँ प्रॉपर्टी सेल या हाँ वो मैरिज या सारी ये घटनाओं को देखने के लिए हम सन ट्रांजिट यूज करते हैं। ठीक है, और ओके मून ट्रांजिट क्या? ऐसी घटनाएं जो दिन के अंदर हो रही है जिसमें ट्वेंटी फोर आवर लग रहा हो। हाँ जैसे किसी का एग्जाम है कुछ है इस तरह से। नहीं, जैसे मान लीजिए प्रिडिक्शन करना है, कैसे प्रिडिक्शन करना है? मान लीजिए 10th का रिजल्ट आने वाला है। हाँ ठीक है, और आपको ये खबर मिली कि 2-3 दिन में 10th का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ कब आएगा? हाँ तब मून ट्रांजिट देखेंगे। तो वो कैसा आएगा मून ट्रांसिट डिसाइड ये सब करेगा। एडवांस है मैडम, जब आप केपी ओके को अच्छे से समझ जाते हैं ओके तभी ये सब चीजें ओके पढ़ी जाती हैं। ठीक ओके ओके थैंक यू सर है, थैंक्स। हाँ ओके। सर कोई घटना अगर इस साल नहीं होगा तो 2-3 सामने 2-3 साल में हो सकता है, मुझे मैंने ऐसा ही मालूम हो रहा है, तो फिर कौन साल में होगा एक सुन ये देखने के लिए क्या शानी देखेंगे शान से? हाँ सन ट्रांजिट बताया ना, पर ईयर वो सेम रहता है, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर चलिए क्वेश्चन अब बाद में है ना, क्लास लंबी हो जाएगी वरना। स्टार्ट करते हैं। हाँ लेकिन सर रश्मि मैडम के बेटे को प्लॉट तो दिला दो, हाँ 2025 में भी रेट्रो ही आया था। हाँ वो देखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है ना, उनका जो 11 नंबर का प्लान वो है ना, हाउस सिग्निफिकेंट है, वो एक सिंगल प्लैनेट बन गया है। वो एक्चुअल में डिजायर फुलफिलमेंट का प्लैनेट क्या होता है जब हाउस सिग्निफिकेटर इसीलिए लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप में डाला था मैडम ने। हाउस सिग्निफिकेटर जिस हाउस के लिमिटेड होंगे वो इवेंट होने की संभावना कम हो जाती है। ये हाउस सिग्निफिकेटर क्यों लेते हैं हमने? क्योंकि जब हम कसपल सब लॉट से और नक्षत्रा लॉट से प्रॉमिस चेक करते हैं और वो प्रॉमिस हमें क्लियर क्लियर नहीं मिलता, तभी तो हम किस पे जाते हैं? हाउस सिग्निफिकेटर पे जाते हैं ना। मैंने आपको बताया था ना हाउस सिग्निफिकेटर पे हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने शुरू में देखा था कि उनके 11 नंबर का जो हाउस सिग्निफिकेटर केवल सन बना हुआ है। ठीक है, तो डिजायर फुलफिलमेंट की संभावनाएं केवल एक प्लैनेट पे डिपेंड हो गए, तो ये तो सब चीजें थोड़ी सी असर करती हैं। हाँ डिले दैट करती हैं मींस कुछ काम। अगर चार पांच सिग्निफिकेटर्स हैं तो हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी इवेंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो दशा भुक्ति अंतरा इनमें आएंगे, कहीं ना आएंगे कहीं तो वो से। देंगे। हाँ 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 वो देंगे ही देंगे। सर
सर उनका ये कुंडली सही है या नहीं पहले तो ये भी तो देखना देखिए पड़ेगा ये सब बात की बातें, अभी प्रैक्टिस, मैं बोला ना ये सारी चीजें एडवांस है। यस सर ना। प्लीज कैरी और ऑन। मैं क्या है ये वही चीजें तो। बोल हाँ के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। अभी अभी सर आप क्लास कंटिन्यू करिए बस इतना हाँ पूछ हाँ ये सारी चीजें क्या बोल के कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो प्रश्न हमें क्या है मालूम ना वो दिमाग में बहुत आते हैं, समझ रहे हैं आप, है सर। दिमाग, क्योंकि हम हाँ टीचर सर क्यों ढूंढते क्लास हैं, कंटिन्यू करिए हाँ प्लीज। टीचर हम इसीलिए ढूंढते हैं कि हमारे प्रश्नों का जवाब मिले। ठीक है चलिए, क्या करना है अपन को, बेचना है सेल, प्रॉपर्टी। हाँ सेल करना है, सन ट्रांजिट से हम सेल निकाल रहे हैं। ठीक है टॉपिक समझ में आ गया, सेल ऑफ प्रॉपर्टी सन ट्रांजिट, ओके सब जवाब मिलेगा जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे ना, बड़े मतलब ज्यादा क्लासेस अटेंड कर लेंगे। ठीक है हाँ सर चलिए, सेल के लिए कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है बताइए। ट्वेल्थ नहीं देखिए थर्ड हाउस परचेस के लिए कौन सा हाउस था, फोर्थ फोर्थ हाउस, तो फोर्थ परचेस का नेगेटिंग हाउस कौन सा होगा, फोर्थ थर्ड, थर्ड, थर्ड थर्ड तो परचेस का नेगेशन क्या होगा, सेल होगा ना। लेकिन मैं यस हाउस सिग्निफिकेटर इसलिए नहीं निकाला था, जब आप इवेंट करेंगे तब उसको आप पढ़ें, ठीक है, उसके बाद यदि आपको कहीं से भी डाटा मिलेगा तो नंबर्स वो सिग्निफिकेटर सारे याद हो जाएंगे आप। ठीक है उनको याद कैसे करना है, दिमाग में कैसे सेट करना है, ये जैसे जैसे इवेंट करते जाएंगे आपको आता जाएगा। तो मेजर हाउस क्या है हमारा, थर्ड हाँ जी थर्ड हाउस, थर्ड थर्ड मेजर हाउस हो गया। अब बताइए क्या सिग्निफाई करे थर्ड, सेल करना है ना तो 10th house आएगा, 11th हाँ का क्या सिग्निफाई करना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी सेल हो जाए। यस तो इनकम आना हाँ चाहिए और प्रॉपर्टी जी वह हो जानी चाहिए, तीन प्रॉपर्टी तो आएगा, 3 and 11 3 and 10 हाँ नहीं थ्री और टेन। थ्री थ्री फोर इलेवन हाँ देखिए सबसे पहले तो वो मेजर हाउस ही आना जरूरी चलिए है, वो मेजर हाउस ही आना जरूरी है। ठीक है और इसके साथ एक नेगेटिव नंबर 11 का क्या आएगा, टेन मेजर नंबर इज 4, 11 एंड 12। ठीक है ठीक, तो इसका नेगेटिव नंबर 3 और 10 लेना आप। ठीक है तो इसका मीनिंग क्या है, सेल प्रॉपर्टी थर्ड कस्पल सब लॉर्ड इन दी स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 3 एंड 10। ये मैंने बताया था आपको याद है, इस एक लाइन का मतलब क्या है, थर्ड कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 3 एंड 10। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें, बाद में मैं सिर्फ वही नंबर्स लिखूंगा। ठीक है सर हाँ जी 10 is 12th of 11 दैट इज व्हाई योर हाँ करेक्ट हाँ हाँ ओके सो सर हाँ प्रॉपर्टी परचेज विल बी 4 11 सो सेल विल बी 3 10 थ्री करेक्ट टेन ओके दैट इज द ओके लॉजिक बस 3 10 ही नंबर है फिर यस जी तो 2 नंबर ही है इसमें 3 10 हाँ 3 10, 3 10 से ही आ जाएगा ये, बाकी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बताइए मेरे को फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, सर फर्स्ट स्टेप तो यही है थर्ड सीएसएल लगना सीएसएल स्टार लॉर्ड थर्ड हाँ, हाउस का सीएसएल सर ये आवाज शांत कर लीजिए भाई, थर्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखना है। ठीक है सर म्यूट ऑल कर दीजिए ना, म्यूट ऑल आप लोग कर लीजिए ना, बताइए आप लोग स्वयं करिए ना म्यूट, उससे पता चलेगा आप कितने गंभीर हैं। चलिए देखिए ये चार्ट है सेल का, ठीक है सबसे पहले हमें इवेंट देखना है। शर्मा जी म्यूट कर लीजिए, सुरेश शर्मा जी म्यूट कर लीजिए। चलिए मैंने हमेशा कहा है कि इवेंट की स्टार्टिंग सबसे पहले मेजर हाउस के कस्पल सब लॉर्ड से होगी, तो हमने देखा कि हमारा मेजर हाउस इज थर्ड हाउस, सो द थर्ड हाउस कस्पल सब लॉर्ड इज मून मून, यहीं पे उसका स्टार लॉर्ड भी देख लीजिए, मून का स्टार लॉर्ड कौन है, जुपिटर जुपिटर, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बताइए थर्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड क्या है, मून मून, और मून स्टार इन लॉर्ड दी और जुपिटर स्टार लॉर्ड क्या है वो,
जुपिटर। जुपिटर। अब हमको देखना है कि जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है। चलिए जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई, लिख लीजिए फिर मेरे को बताइएगा। 10, 4, 8, 3, 12, लिख लीजिए फिर मेरे सर को तीन बताइएगा। नंबर आ गया इसमें। हाँ नोट डाउन कर लीजिए, 10, 4, 8, 3, 12। चलिए बताइए, सर टेन 10 और 3 दोनों आ गए इसमें। टेन नंबर बताइए ना। 10, 4, फोर एट थ्री 12 थ्री 12। 12 अब देखिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, थ्री थ्री एंड 10 एंड 10 है ना, ये हमारा टॉपिक का रिक्वायर्ड नंबर है। तो हमें एक मेजर नंबर मिल गया है, ठीक है। अरे ये भी आ गया, ये तो है ना, थ्री 10 भी और वही है। 10 भी आ गए, ठीक है। 3 और 10 ये शो कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्म अब देखिए ये नंबर भी क्या कुछ कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कोई बता सकता है? तो सर नंबर नुकसान सर, की घर हानि हाँ जी, फोर नंबर तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो गई जो कर हाँ लॉस वेरी गुड। ये जो है है ना 4 नंबर क्या है, होगी स्वयं उसकी की खुद की प्रॉपर्टी होगी वो, प्रॉपर्टी क्योंकि ये 4 नंबर नेटल का घर घर हाउस प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। और लॉस में बिकेगी। हाँ 8 नंबर ये बता रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल क्या आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, ठीक है। और 12 नंबर ये बता रहा है कि पैसा तो मिलेगा उसको, भाई बेच रहा है तो पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं उसको खर्च करना पड़ जाएगा, ये शो कर रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। वैसे भी अपना घर कोई ऐसे नहीं बेचता है सर, कुछ होता है तभी बेचता है। हाँ अपन ने मान लिया कि वो बेच रहा है, हाँ जो भी अपनी हाँ प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो भाई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो अभी से बात है पैसों की आवश्यकता होगी, तो वो हाँ जो पैसे आएंगे वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा, ठीक है। चलिए यस ये अपना ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में और कुछ है क्या? नहीं रेट्रो सर, सर इसमें रेट्रो चेक रेट्रो, करेंगे तो सर रेट्रो। वो तो अब कॉमन हो गया। देखिए जुपिटर आज रेट्रो है, ये स्टार लॉर्ड को चेक हाँ करना है, क्या चेक करना है कि रेट्रो तो नहीं है, सैटर्न बताइए आज क्या जुपिटर रेट्रो, सैटर्न है ना रेट्रो, जुपिटर नहीं है, है सैटर्न है सर तो जुपिटर नहीं है। नो रेट्रो है ना, यही चेक कर लेना हमारा स्टार लॉर्ड कहीं रेट्रो तो नहीं, रेट्रो सर मतलब एक बार प्रॉब्लम। ये बता दीजिए आपने जुपिटर कहाँ से देखा रेट्रो है। अच्छा वो कहीं भी करंट चार्ट बना दीजिए ना, आ जाइए, ये देखिए, करंट चार्ट बना लें। हाँ ठीक है करंट चार्ट से दिखता है वो, ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक बना है। हाँ लूंगा। हाँ हाँ करंट चार्ट में आप देख लीजिए, जो भी प्लैनेट रेट्रो है वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है। रेड में आ रहा है वैसे जुपिटर, हाँ हाँ रेड में आएगा। जुपिटर रेड आ रहा है इसमें ये जो चार्ट है। कौन सा चार्ट है? जो आपने बनाया हुआ है जो नहीं उसपे नहीं नहीं स्टार लॉट तो वो हमें है। आज की कंडीशन में ओके देखना, आज ओके की ओके कंडीशन, ओके रेट्रोग्रेशन आज की हाँ कंडीशन में देखना है ना, ध्यान रखें ओके आप इस चीज का। हाँ हाँ यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, टुडे स्टार लॉर्ड जुपिटर इज, नॉट हाँ नॉट रेट्रो, या डायरेक्ट रेट्रो का ये निशान है ना, ये लिख लीजिए टुडे है ना, आज देखना है चार्ट में, नहीं देखना है, ठीक है। चलिए यस अब बताइए कौन सा स्टेप आएगा, सेकंड, व्हाट इज सेकंड हाउसिंग स्टेप, हाउस सिग्निफिकेटर, हाउस सिग्निफिकेटर्स, कौन कौन से हाउस है हमारे, थ्री टेन चलिए थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर लिख लीजिए फिर मेरे को बताइएगा। थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर लिखिए, मैं बोल रहा हूँ वीनस, केतु वीनस, केतु, मर्क्यूरी, मार्स, सन, मून, जुपिटर, लिख लिए। सर अब 10th हाउस के लिख लीजिए यहीं पे, जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, लिख लिए। अब यस मेरे को बताइए थर्ड के, बताइए, वीनस वीनस, केतु
केतु, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मून, मून, सन, सन, जुपिटर। जुपिटर। 10th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, सन, सन, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मार्स, मार्स, वीनस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? महादशा अंतरदशा देखनी है। यस, डीबीए दशा भुक्ति अंतर। एमडी एडी। चलिए कहाँ थे अपन चार्ट में? क्या चल रहा है? जून चल रहा है ना? केतु, केतु, केतु में केतु चल रहा है। ठीक है, एमडी केतु में केतु। ठीक है, तो इसके इतने सारे प्लैनेट है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये मिल गया ना, ये मिल गया ना केतु। चलिए फोर्थ बताइए। आरपी कॉम्बो। हाँ जी, फर्स्ट आरपी, देन आरपी कॉम्बो है ना। तो रूलिंग प्लैनेट। हाँ, रूलिंग प्लैनेट देखिए, मैं क्रिएट कर रहा हूँ रूलिंग प्लैनेट अभी के ना। बंद कर दूंगा तो गड़बड़ कर देता। रूलिंग प्लैनेट के लिए मुझे कुछ फीड नहीं करना, सब ऑटो फीडेड है ना। चलिए देखिए, जब रूलिंग प्लैनेट बनाते हैं ना तभी आपको दिख जाएगा। मैडम पूछ रही थी ना, ये देखिए सैटर्न रेट्रो है रेड कलर से जो मेरे सॉफ्टवेयर में। यस 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 यस। तो टुडे की कंडीशन ये है, तो टुडे सैटर्न इज रेट्रो बट आवर स्टार लॉर्ड इज जुपिटर विच इज डायरेक्ट। ओके, तो राइट डाउन द आरपीज। ओके, कैसे राइट डाउन करते हैं? सबसे पहले लगना लिखते हैं। लगना, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, जुपिटर, सन, मून। लगना इज जुपिटर, सन, मून, मून, देन मून लिखना है ना। यस। ये जुपिटर सन मून है ना। ठीक है, मून का कहाँ है? जुपिटर सन मून है ना। अब मून लिखना है, मून सैटर्न राहु। मून सैटर्न, सैटर्न राहु। ठीक है, ये आरपी है। ठीक है, अब लिखना है आरपी क्या क्या आ गया? सन, मून और सैटर्न। ठीक है, अब बनाएंगे कॉम्बिनेशंस, कॉम्बो। कॉम्बो बनाने का तरीका बताया ना। यस सर। जुपिटर, पहले जुपिटर को रिपीट कर दीजिए और ये चेंज कर दीजिए, फिर दूसरा प्लैनेट मून ले लीजिए। अब ये और ये बच गया, इसको लिख दीजिए। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, फिर मून लिख के यहाँ सैटर्न आ जाएगा और यहाँ सन आ जाएगा। ये पेयरिंग और ये पेयरिंग रहेगी। ठीक है, तीसरा प्लैनेट सैटर्न है, सैटर्न को लिख दीजिए दो बार। कौन बचा? सन और मून बचा, सन और मून। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करके लिख दीजिए मून और सन। ये बन गए आपके आरपी कॉम्बो, यहाँ छह बने हैं। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए देन क्या करना है भाई हमें? टेबल में 249 नाम दे देते हैं। R1, R2, सर जुपिटर भी है ना? R3 कहाँ है? है क्या? हाँ, नहीं सर, नहीं है, नहीं है सर। हाँ लगना नहीं, वो साइन लॉर्ड है ना। ओके, ठीक है, यहाँ पे यही लेना है। सन ट्रांजिट में तीन ही आरपी लेना है, R1, R2, R3, R4, R5 और ये R6 है ना। सबसे पहले हम R1 उठा रहे हैं, इसको किस में चेक करना है?
249 टेबल में चेक करना है, ठीक है? अच्छा हाँ तो एक सेकेंड, सूर्य की राशि कौन सी होती है भाई? नंबर, नाइन्थ नंबर, पांच लियो नंबर, लियो। पांच नंबर। हाँ, सन मून सैटर्न देखना। देखिए नहीं है सर, हाँ जी, देख नहीं है, लो है क्या। नहीं है। है क्या सन दूसरी मून भी नहीं सैटर्न है, नहीं है ना? जुलाई में, नहीं है। जुलाई में, हाँ सन मून सैटर्न नहीं है ना, सन सैटर्न मून है ना, दोनों नहीं है। कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, कौन R1 R2 नहीं मिलेंगे, ठीक है? देख लिया ना अपन ने। नेक्स्ट है चंद्रमा की राशि, चंद्रमा की राशि में देखना है अपन को सन और नंबर? सैटर्न, है ना? चंद्रमा की राशि ऊपर है, मून में सन या सैटर्न है क्या? है, देखिए है सैटर्न, हाँ यहां है, मिलेगा हाँ आपको मून हंड्रेड सैटर्न और डिग्रीज सन। कहाँ मिल रहा है भाई? ये मिल रहा है, हंड्रेड देखो डिग्रीज मून पे सैटर्न सन, ये मिल गया आपको। और इसका उल्टा भी यही देख लीजिए, सन सैटर्न मून है क्या? सॉरी, मून सन सैटर्न है क्या? नहीं है ना, नहीं है। यहां पे हमको मिल रहा है मून सैटर्न और सन एट एट हंड्रेड हंड्रेड डिग्रीज डिग्री इट मून स्टार्ट्स फ्रॉम सैटर्न नाइन सन। कौन सा मिला हमको? ये फोर नहीं नंबर मिला, मून ये नहीं मिला, सैटर्न ये भी नहीं मिला, है ना? ये भी नहीं है ना, ये सर। वाला है आर फोर मिला, हाँ आर फोर सैटर्न्स। मिला है हमको, है ना? तो हम R4 पे आ जाते हैं। R4 किस राशि में मिला? कैंसर, कैंसर, कर्क राशि कैंसर में। कितने डिग्री पे मिला? 100 हंड्रेड 100 डिग्री पर मिला। क्या करना है इसमें से, कितना माइनस करना है वो टेबल बताएगी। 90 टेबल मिस 90 आगे टेबल, हाँ देखिए ये जो ऊपर लिखा रहता है ना उसको माइनस करते हैं, 90 90 को माइनस 88 करना है। और डेट कौन सी है? 17 जुलाई, ध्यान रखना है ना। तो -90 कितना आएगा? 27 जुलाई 10 डिग्री, है ना? फिर हाँ उसके बाद डेट 10 प्लस करते हैं, व्हाट इज डेट? 17 जुलाई, यही है ना डेट वहां जो लिखी है, ये हो सर जाएगा 27 जुलाई। तो अभी जुलाई नहीं चल रहा है मतलब, 2023 ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब कौन सा मिला था हमको? ये मून क्लियर हो गया, मून के दोनों देख लिए हमने। अब सैटर्न के देखना है, सैटर्न सन मून और सैटर्न मून सन। तो सैटर्न की दो राशियां होती हैं, दोनों में देख लेंगे अपन, ठीक है? तो सर नेक्स्ट ईयर पे जाएगा वो तो जैन फेब देख लेते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर है, 9 10 नंबर और 11 नंबर यहाँ आएगी। ये है 10, ये है 11। पहले अपन 10 में देखते हैं ना, सैटर्न सैटर्न की राशि 10 नंबर होती है और 11 नंबर। देखिए सन यहाँ पे हाँ चेक करिए, सैटर्न तो फिक्स है ना भाई? यस सर सैटर्न टू सन नाइनटी मून, टू हाँ 280 पे कहाँ पे मिल रहा है भाई? ये देखिए सन भी मिल रहा है और मून भी मिल रहा है ना। 292 पे भी मिल रहा है और हाँ, 280 हमें पे क्या भी। देखना है? देखो भाई सब देखो, सैटर्न में सन देखना है और सैटर्न में मून देखना है, ठीक है? तो सैटर्न में पहले सन देखना है और सैटर्न में फिर मून भी देखना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजें मिल रही है। देखिए सैटर्न में मून भी मिल रहा है और सैटर्न में सन भी मिल रहा है। तो हमारा मून कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ? ये देखिए यहाँ पे मिलेगा सैटर्न मून 292 सन, दिख रहा है ये? सैटर्न यस सर यस मून सन, 292 ये R6 है ना, पहले R5 लिख रहे हैं ना, ऑर्डर वाला लिख रहे थे, पहले ये देख रहे हैं ना R5 को, सैटर्न सन मून ऑर्डर में रहेगा तो ध्यान रहेगा। कौन सा है ये मिल रहा है सैटर्न क्या? मून सर सन ने उधर नहीं मिल हाँ रहा नहीं मिल रहा ना,
नहीं सर उसमें देख लीजिए दूसरे 11 नंबर में। नहीं अभी अपन एट पकड़ रहे हैं ना, फिर उसको दोनों को मैंने फिर सर उसमें दो चेक कर दिया लेंगे, ठीक है? पहले आप दोनों कॉम्बो उठाइए एक राशि में चेक कर लीजिए, फिर दोनों कॉम्बो का अपन दूसरी राशि में चेक करेंगे, ठीक है? तो हमने देखा कि दूसरा वाला जो है सैटर्न सन मून, यहाँ पे मून नहीं नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा ना, आ रहा है। नहीं, नहीं। केवल हमें क्या मिलेगा, सैटर्न मून सन, ये मिल रहा है सैटर्न 292 डिग्री हमें मिला है। 292। हाँ जी यही लिख देता हूँ मैं, क्या मिला है, क्या टू मिला, नाइन्टी टू डिग्रीज 270 डिग्री नहीं कौन सा से मिला, ये मिला कि ये मिला, सैटर्न मून सन मिला, लास्ट ये मिला है ना, वाला सर। यस हाँ ये, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं R6 जो है किस राशि में मिला है, कैप्रिकॉन। केप्रिकॉन। कितने डिग्री पे मिला है, 292। 292। ये R6 से आप समझ जाइए किसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो मिला ही नहीं अभी हमको, अभी एक और राशि बची है इसलिए उसमें भी देखेंगे, ठीक है? तो ये 270 डिग्री से माइनस होगा ये ना। हाँ इसको चार्ट में देखिए, अब देखिए 292 में से क्या माइनस करना है, 270, ठीक है? और डेट 14 72। जनवरी हाँ तो आप 270 माइनस कर दीजिए भाई, टू तो ट्वेंटी सेवेंटी माइनस कर दीजिए कितना आएगा, डेट कौन सी ऐड करना है, फोर्टीन कितना आएगा, जनवरी 36 36। थर्टी तो ये सिक्स जनवरी में 31 दिन होते हैं ना, हाँ यस तो ये 5 फरवरी आ जाएगी, करेक्ट। फरवरी अभी आने वाली है इसलिए 5 फरवरी अभी आएगी है ना, इसलिए 24 लिखा हुआ। यस चलिए अभी अब सैटर्न सन सैटर्न की मून। दूसरी राशि में चेक कर लेते हैं कि क्या हाँ सैटर्न सन मून मिल रहा है या सैटर्न मून सन मिल रहा है। मिलेगा चलिए मिलेगा, नहीं मिल रहा है सर। देखिए नहीं मिलेगा ना वो मालूम, देखिए सैटर्न में सन देखना है कहीं पे नहीं मिल रहा, फिर नहीं सर सैटर्न में मून देखना है कहीं पर नहीं मिल रहा, ठीक है? तो हमारा ये काम पूरा हो गया, ये क्लियर है? तो केवल हमें क्या मिले, दो ही यस मिले ना, दो ही ये मिला RP मिला और ये RP मिला है बस, है ना, सर। एक आर फोर मिला है, सत्ताईस आर हाँ फोर मिला है और R6 मिला है, आर ठीक है? सिक्स सो चलिए 27 जुलाई R4 23 अब इसको चेक करना है, हाँ कर्क राशि में जाके देखिए, आप नेटल की कुंडली निकालेंगे आप, फिल्टर लगा रहा हूँ हम, है समझ गए आप, फिल्टर अब यहाँ इस स्टेज में मैंने आपको फिल्टर बताए थे ना, याद है आपको? यस रेट्रो भी हाँ होना चाहिए। चलिए अब अपन नहीं अभी रेट्रो वाला नहीं चेक कर रहे हैं, अभी पहला फिल्टर लगा रहे हैं हाउस हाउस वाला, ठीक है? नेगेशन हाउस तो नहीं आ रहा, वैसे इसमें कोई नेगेशन ज्यादा है नहीं, ठीक है? नेगेशन वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि 2 नंबर उसको नेगेट नहीं करेगा, ठीक है? कैसे चेक करते हैं भाई, कोई बताएगा? हाँ चार्ट में हाँ ये राशि चार्ट खुल गया, देखिए ये सेल लिखा है ना, ये मैंने चार्ट खोल दिया, सबसे हाँ पहला आरपी देखिए चार कहाँ पे है, किस राशि में है आरपी, कैंसर, नंबर कर्क में राशि में, कर और ये डिफरेंस को याद रखिएगा, डिफरेंस हाँ दस दस है ये डिफरेंस याद रखना है, इसी को देखते हैं हम, ध्यान रखना, हमें देखना है कि हमारा जो आरपी है वो कितने डिग्री के डिफरेंस पे मिला है, 10 डिग्री के, किस राशि में मिला है, कर्क राशि में, हम सीधे कैंसर में चले जाएंगे, ये आ गए हम कैंसर, ये आ गए कैंसर में, यहाँ पर हमारा RP4 बैठा हुआ है, ये RP4 जो है यहाँ पर है, क्लियर है? यहाँ पे RP4 बैठा हुआ है, अब हमें देखना है सैटर्न कि यहाँ पे जो RP4 बैठा है वो किस हाउस में बैठा है, राशि तो हमें पता है कर्क में है, लेकिन किस हाउस में सेवन बैठा है। सेवन हाँ अब ध्यान सेवन दीजिए यहां पर जो हाउस है कौन सा हाउस है, सेवेंथ हाउस है, सेवन जो कि 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा मतलब वो आगे इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ध्यान रखिए, है ना? यस तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ आके 30 हो जाएगा, 30 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ तक चलेगा, है ना? तो हमारे डिफरेंस कितना आया, 10 डिग्री, टेन 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 तो डिग्री ये इसी 0 में ही के बाद रहेगा होगा कि पहले होगा,
नहीं बाद ही होगा ना, बाद होगा मतलब किस हाउस में आ गया वो, फोर्थ में सेवेंथ में आ गया ना, सेवेंथ में आ गया, ठीक है। तो ये जो है आरपी है वो सेवेंथ हाउस में है, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टी आप अपनी पत्नी के लिए खरीद रहे हो, या पत्नी के साथ परचेस सेल कर रहे हो, या पत्नी के लिए बेच रहे हैं, या वो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम की हो सकती है, सेवेंथ हाउस जुड़ गया। हाँ, या वो प्रॉपर्टी हो सकता है पार्टनरशिप की हो, ठीक है, ये इंडिकेशन भी देते हैं आरपी। चलिए नेक्स्ट, किस राशि में जाना है हमको, सीधे कैप्रिकॉन में जाना है ना, डिफरेंस कितना 22। कुछ नहीं करना, सीधे कैप्रिकॉन पे आ जाइए। कहाँ है कैप्रिकॉन? लग्न ना, सेंट्रल ये है ना, ये है, ये एक्यूरियस है भाई, ये है, ये है, हाँ ये है, हाँ असेंडेंट है ना, असेंडेंट, हाँ असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस है। देखिए सबसे पहले हमें पहुंचना कहाँ है, कैप्रिकॉन पे पहुंच गए हम। अब हमें पता करना है कि जो हमारा आरपी आया है 22 डिग्री के डिफरेंस पे वो किस हाउस में है। तो इस राशि में हाउस नंबर कौन है, फर्स्ट, एसेंडेंट मतलब होता है फर्स्ट हाउस, जो कि 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। हमारा डिफरेंस कितना आया, 22। तो ये किधर पहुंच गया, सेकंड हाउस। हाँ जी फर्स्ट हाउस में ही है, फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ फर्स्ट हाउस में 30 डिग्री है ना, फर्स्ट में ही है, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट में, फर्स्ट हाउस है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं सर, ठीक है, फर्स्ट हाउस में ही है, फर्स्ट हाउस यहाँ से शुरू हो रहा है ना। तो जीरो से गिनती शुरू करेंगे तो हमें 22 नंबर यही कहीं मिलेगा ना बीच में, क्लियर है, राइट। तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस तो यहाँ से शुरू हो रही है, ये अब ऊपर की तरफ जाएगा सेकंड हाउस, है ना। तो हमारा जो आरपी है वो किस हाउस में, फर्स्ट, फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस, ठीक है, ये क्लियर हो गया, यस सर। चलिए अब क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, ये पहला फिल्टर है, दो फिल्टर बताए थे मैंने, सेकंड फिल्टर क्या है, रेट्रोग्रेशन, फर्स्ट स्टेप लिख लीजिएगा, है ना, ठीक है। सेकंड फिल्टर है रेट्रोग्रेशन, कौन सी तारीख में, जो निकली है अपनी 27 जुलाई 2023 को चेक करेंगे नेटल के चार्ट में जाकर। तो ये नेटल का चार्ट है, इसको मैं एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने एडिट किया और यहाँ मैंने लिख दिया 27, क्या है, जुलाई 2023 लिख दिया, यस सर। डेट देखते रहिए ना, कभी कभी गलत भी हो जाता है, सैटर्न रेट्रो होगा ना इसके, सैटर्न रेट्रो रहेगा नवंबर तक, सैटर्न रेट्रो है और वीनस भी रेट्रो है, लेकिन ये हमारा रूलिंग प्लेनेट है क्या, हाँ सर सैटर्न है, सैटर्न है, सैटर्न है, हाँ जी सैटर्न हमारा रूलिंग प्लेनेट नहीं जुपिटर है, नहीं सैटर्न है, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि सैटर्न मून और सन, हाँ तो ये तो कभी रेट्रो होते ही नहीं, yes. इस डेट में कौन रेट्रो है, सैटर्न, सैटर्न रेट्रो है, 5 फरवरी को देखो भाई, नहीं सैटर्न नहीं होगा रेट्रो, डायरेक्ट होगा सर, नवंबर तक है रेट्रो, 5 फरवरी डाल लो, 05/02/2024 देखिए यहाँ कोई प्लैनेट रेट्रो नहीं, नहीं दिख रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर की खासियत है, रेड से लिखा है तो आइडेंटिफाई हो जाता, तो रेड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ना। तो हमने देखा कि 5 फरवरी जो ऐसी डेट है, आरपी प्लैनेट रेट्रो नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये सेकंड फिल्टर लगाया मैंने, फर्स्ट फिल्टर तो यहाँ ज्यादा प्रभावी होगा नहीं क्योंकि हम प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, ठीक है, मैरिज वैरिज में बाकी चीजों में बहुत प्रभावी रहता है, नेगेशन है ना। सेकंड फिल्टर में हमने देखा कि 27 जुलाई 2023 को हमारा जो रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है वो रेट्रो है, इसीलिए हमको इस डेट को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। सेकेंड फिल्टर जो होता है, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स जो तारीख हमने निकाली है उस तारीख को रेट्रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि 27 जुलाई 2023 को सैटर्न रेट्रो है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डेट को हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 5 फरवरी 2024 की डेट में हमने देखा कि कोई भी प्लैनेट रेट्रो नहीं है, मतलब ये डेट क्या है हमारे लिए, लाइकलीहुड ऑफ रेक्टिफिकेशन फाइनल, ठीक है। फाइनल डेट इज 5 फरवरी 2024, जी आप 100% दे सकते हैं किसी को डेट, है ना, क्लियर है। अब देखिए एक फिल्टर और लगा सकते हैं आप, ध्यान रखिए फिल्टर शब्द का मैं प्रयोग इसलिए करता हूं क्योंकि जब ये फिल्टर अप्लाई करते हैं तो एक्यूरेसी परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, 5 फरवरी 2024 का चार्ट देखना है, उसकी महादशा अंतरदशा, हाँ ओके ओके, ओपन चार्ट सेल, देखिए ये है ना उसका चार्ट जातक का, क्लाइंट का, ठीक है। अब इसके में हमको जाना है महादशा में, महादशाएं क्या कह रही हैं उस तारीख को, ये भी तो देखना है हमको, ठीक है। तो देखिए केतु कब तक चल रहा है, 2030 तक, क्लियर है। तो मैं जैसा बोलते जा रहा हूं आप लिखते जाइए, पहले लिखिए केतु फिर स्लैश मारिए। अब देखिए इसको कहते हैं दशा, अब आएगी भुक्ति, तो केतु में केतु की भुक्ति कहां तक है, 2023 तक है, हमारी डेट 2024 की है, क्लियर है, करेक्ट। तो वीनस आ जाओ, देखिए केतु की दशा चल रही है जो कि 2030 तक चलेगी, ये लास्ट डेट लिखी रहती है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब हमने देखा केतु में केतु की भुक्ति चल रही है जो कि 23 अगस्त 2023 तक है, लेकिन हमारी डेट तो इसके बाद की है ना, तो क्या हमारी डेट इस रेंज में आ रही है, 22-10-2024 आएगी, फेब्रुअरी है ना, तो आप देखिए केतु के बाद स्लैश मार के लिखिए वीनस, यस केतु वीनस लिख लिया आपने, Yes. जैसा मैं बताते जा रहा हूँ लिखते जाइए, ठीक है। अब मैं वीनस को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, भुक्ति के बाद अंतरा। अब देखिए फरवरी 2024 कहाँ आ रही है, ये यहाँ आएगी, है ना, 27, ये जो है इसके बाद मंगल के बाद राहु चल रहा है 27 मार्च 2024 तक, तो नेक्स्ट स्लैश मार के लिखिए राहु, ये अभी मैं पूछूंगा मेरे को बताना है आपको, है ना, लिख लिया आपने राहु, यस। अब मैं राहु को ओपन कर रहा हूँ, ये आ गई सूक्ष्मा, यस सूक्ष्मा के बाद ओपन नहीं होगा। अब देखिए आपकी डेट कौन सी है फरवरी की, 5 फरवरी कौन सी आएगी, जुपिटर, जुपिटर लिख लीजिए जुपिटर। तो जो आपने डेट दे रखी है, एक सेकेंड, चलिए ऑन 5/2/24 क्या है, केतु की दशा, भुक्ति किसकी है, वीनस, वीनस की भुक्ति, दशा राहु, भुक्ति अंतर राहु, अंतर राहु, व्हाट इज अंतर राहु, राहु एंड द जुपिटर सूक्ष्म जुपिटर। अब यहाँ पर भी हाँ प्रत्यंतर, देखिए इस डीबीए में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो प्लैनेट्स उस दिन रन कर रहे हैं किस दिन, 5 फरवरी 2024 को, ये कितने सपोर्टिंग है हमारे लिए। तो इनको देखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले, बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इन प्लैनेट्स को हम अपने हाउस सिग्निफिकेटर में देखेंगे। देखिए केतु वीनस राहु जुपिटर, यस ऑल सब है सर। देखिए केतु ये है, राहु कहाँ है, राहु नहीं है इसमें, नहीं है, जुपिटर है, वीनस है, वीनस है, और क्या है, केतु जुपिटर, केतु ही नहीं है ना सर, केतु वीनस राहु जुपिटर देखना है ना, जुपिटर है ऊपर थ्री में, वीनस है, केतु है, जुपिटर है, और फिर राहु नहीं। पर सर आपने कहा केतु है या राहु है, एक ही होता है। हाँ हाँ सही कह रहे हो,
देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, वो तो अभी स्पेशल केस है ना, वरना देखना कैसे वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, है ना। जैसे हमें करंट चार्ट का 10th लॉर्ड भी वीनस है सर, लिब्रा है। अच्छा अच्छा चलिए, जो नहीं मिलता है उसको हमें यहाँ देखना होता है। करेक्ट। देखिए राहु नहीं मिला, राहु क्या सिग्निफाई कर रहा है इनके चार्ट में? देखिए ये राहु दे रहा है 9 नंबर। अब आप अपने ऊपर जाइए हाउस सिग्निफिकेटर में, केतु कहाँ मिला मेरे को बताइए, 3 में मिला 10 में मिला, चेक करके बताइए। ऊपर देखना है, 3 में, केतु 3 में, 10 में है क्या वो? नहीं। वीनस कहाँ है? 10 में, दोनों में है। दोनों में तो दोनों बताइएगा, दोनों में है। आप तो सर दोनों में है। जुपिटर कहाँ है? 3 में है। जुपिटर दोनों में है, दोनों में, दोनों में है। तो ये उस दिन रन हो रही है, किस दिन? 5 फरवरी 2024 को रन हो रहा है 3, 10, 9। करेक्ट। ये देखिए, ये एक और फिल्टर होता है जो कि आपकी इवेंट को बता देता है कि उस दिन जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रन कर रहे हैं, आपके द्वारा जो काम किया जाना है आपके फेवर में रन कर रहे हैं। क्यों फेवर में रन कर रहे हैं? क्योंकि वो उस हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? दिख रहा है जैसे 9 नंबर आया, 9 नंबर नेगेटिव नहीं है? नहीं, नेगेटिव नहीं है। 9 नंबर ये शो कर रहा है कि हो सकता है इस डीलिंग में किसकी इन्वॉल्वमेंट हो? फादर की, फादर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्लियर है? या सीनियर, या जो 9 नंबर है वो हो सकता है कोई धार्मिक प्लेस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी, ठीक है। जो जो 9 के सिग्निफिकेटर हैं वो जो आपसे जुड़ रहे हैं आप उनसे उसको जोड़ सकते हैं। क्लियर है? सेवेंथ का ब्रदर भी हो सकता है ना? सेवेंथ कहाँ है? नहीं नहीं मतलब सेवेंथ से थर्ड है। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट भावत भाव सिद्धांत तब यूज करते हैं जब एक ही कुंडली से कोई दूसरी चीज कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो देखिए कल अपन यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, आज ही यहाँ पे आ गए, तो ये चीज भी है, ये भी एक फिल्टर है। दिस इज ऑल्सो फिल्टर 3F। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर। हाँ, आपकी प्रेडिक्शन को ये क्या करता है, एक्यूरेसी में मदद करता है। आप चेक कर लीजिए, है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई नेगेशन नंबर आ रहा है तो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मींस अगर 9 नेगेशन नहीं बताएगा? नहीं, 9 नेगेशन नहीं बता रहा है। मैं बताया ना सेल में कोई, इसीलिए तो एग्जांपल सेल का लिया हुआ है सर। फिर अगर कोई जैसे कुछ पूछ रहा है अपने से कोई पर्टिकुलर डेट के लिए, तो हम इसे बैकवर्ड्स भी कर सकते हैं ना, DBA लगा के, और उसको कर सकते हैं बैकवर्ड्स भी कर सकते हैं ना। ना, 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 आरपी कभी बैकवर्ड में काम नहीं करता, ध्यान रखिए। अच्छा, आरपी इज ओनली फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। ये विशेष नहीं, 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 पास्ट की बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जैसे कि फेब्रुअरी का ही कोई डेट, मतलब कोई दशा भुक्ति है किसी की और कोई इवेंट की संभावना पूछ रहे हैं, तो हम इसे ऐसे बैकवर्ड्स भी कर सकते हैं ना, यही कैलकुलेशन। बैकवर्ड का मतलब नहीं समझे, मतलब ये प्लैनेट्स आ रहे हैं सब लॉर्ड में, साइन लॉर्ड में, स्टार लॉर्ड में, मतलब इस तरह से फॉर दैट पर्टिकुलर डेट, हाँ या ना, जो भी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि परसों कुछ पर्टिकुलर होने वाला है या 3 महीने बाद कुछ होने वाला है, तो उस टाइम एक्स दशा भुक्ति अंतर है, तो उसे भी हम अंदाज लगा सकते हैं ना, देख के स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड वगैरह सब। हाँ, अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन वो दूसरी टेक्निक होती है, ठीक है। डायरेक्ट आप महादशा देख के यदि कोई अंदाजा लगा रहे हैं तो एक दूसरी टेक्निक, ये सब एडवांस है। एडवांस मतलब आगे की चीजें। ओके ओके, ये सारी चीजें आगे की है ना, कि हम दशा भुक्ति देख के क्या गेस करेंगे, कैसे प्लैनेट्स देखेंगे, ठीक है। राइट, ये चीजें हैं, आएंगी सब आगे के लिए। तो ये जो था आपने देखा कि परचेस फिर देन सेल, एक सेकंड।